बलरामपुर जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री शहरी आवास में फर्जी जियो टैग कर लगाकर कर रहे थे फ्रॉड, जिसमें पुलिस ने 7 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नीरज कुमार सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा बादी नीरज कुमार सिंह निवासी क्रिएटिव कंसोर्टियम कीर्ति नगर नई दिल्ली द्वारा थाना कोतवाली नगर उतरौला पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उल्लिखित किया गया था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में क्रिएटिव कंसोर्टियम संस्था के कर्मी व लाभार्थियों के द्वारा उक्त योजना से संबंधित लाभार्थियों के अर्धनिर्मित मकानों के स्थान पर पूर्व से निर्मित मकानों पर फर्जी जियोटैग करते हुए कूट रचित जियोटैग अभिलेख भुगतान हेतु तैयार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जिसकी गहन विवेचना की गई, जिसमें जियोटैग डाटा का सत्यापन से अभियुक्त गणों द्वारा धोखाधड़ी कर अभियुक्तों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने का अपराध कारित किया जाना पाया गया। घटना में संलिप्त पाए गए 4 अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एवं 3 अभियुक्तों को थाना कोतवाली उतरौला द्वारा अभियोग पंजीकरण के 48 घंटे के अंदर कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धोखाधड़ी कर अभियुक्तों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के अभियोग के अनावरण हेतु टीम गठित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थाना कोतवाली नगर बलरामपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कार्तिक मुदनवाल पुत्र विष्णु मुदनवाल, विजय कुमार यादव पुत्र फतेह बहादुर यादव, मोहम्मद वशीक पुत्र मोहम्मद शफीक, मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद शफीक को नहरवालागंज बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कार्तिक मुदनवाल व विजय कुमार यादव क्रिएटिव कंसोर्टियम संस्था में जियो टैग डाटा का सत्यापन का कार्य किया जाता था। इनके द्वारा मिलीभगत करके लाभार्थियों के आवास की गलत तरीके से अर्धनिर्मित मकानों के स्थान पर पूर्व से निर्मित मकानों की जियो टैगिंग करके लाभार्थी अभियुक्त मोहम्मद वसीक व मोहम्मद शमीर को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था तथा अभिलेखों में कूट रचना करके भुगतान कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसी तरह थाना कोतवाली उतरौला पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्त अनिमेश तिवारी पुत्र रामजी तिवारी निवासी मानस नगर मकान नंबर 918 कानपुर रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश 2263 हाल पता मोहल्ला सुभाष नगर थाना कोतवाली उतरौला बलरामपुर राहुल पुत्र राम प्रताप कश्यप उम्र 35 वर्ष निवासी मोहल्ला आर्यनगर थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर रोहित सिंह पुत्र वेंदेश्वरी प्रसाद उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मोहल्ला आर्यनगर तथा थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार की गई, जिसमें अभियुक्त अनिमेश तिवारी द्वारा मिली भगत करके लाभार्थियों के आवास की गलत तरीके से अर्धनिर्मित मकानों के स्थान पर पूर्व से निर्मित मकानों की जियो टैगिंग करके लाभार्थी अभियुक्त राहुल व रोहित सिंह को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा अभिलेखों में कूट रचना करके भुगतान कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। पुलिस ने घटना में संलिप्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ की तो बताया गया कि संस्था द्वारा हम लोगों को जियो टैग कर सत्यापन हेतु नियुक्त किया गया है। हम लोगों द्वारा जियो टैगिंग लोकेशन में हेर फेर कर आवंटी को प्रधानमंत्री आवास शहरी आवास का सत्यापन कर उसे वह स्वयं लाभ प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे बलरामपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार। जनपद बलरामपुर में क्रिएटिव कंसोर्टियम जो कि लखनऊ से एक संस्था है, जिसे कि शहरी आवास योजना में चेक करने का दायित्व मिला था, उसी के द्वारा दिए गए तहरीर पर जनपद बलरामपुर के 4 पंचायतों में बलरामपुर उतरौला पचपेड़वा और तुलसीपुर में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है कि इन आवासों में फर्जी जियो टैग लगाकर भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है और आज 2 मुकदमे जो कि बलरामपुर नगर पालिका के और साथ में उतरौला नगर पालिका के हैं, इन मुकदमों में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ आपको बताना चाहते हैं इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि किसी दूसरे खाली लैंड का जियो टैग लोग कर देते हैं जहाँ मकान बनना होता है, फिर किसी दूसरे स्थान पे जहाँ अर्धनिर्मित मकान बना हुआ होता है वहाँ का जियो टैग कर देते हैं, फिर किसी तीसरे पूर्ण निर्मित मकान का जियो टैग कर देते हैं और इस तरह से जियो टैगिंग करने में ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी उदाहरण दिखे हैं कि जहाँ पर मकान पहले से बना हुआ है और उस लाभार्थी के नाम से जियो टैग करके और उसे भुगतान कर दिया गया है। तो ऐसे कुल 28 प्रकरण हैं जो कि पुलिस को प्राप्त हुए थे,
इन सभी में विवेचना चल रही है, जांच चल रहा है, सभी पत्रावलियों का परिशीलन किया जा रहा है। जिस स्तर पर भी लापरवाही और क्रिमिनल कार्य किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी अभी हम लोगों ने जो 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं उसमें 3 व्यक्ति जो कंपनी ने मुकदमा लिखवाया है, जो जांच एजेंसी है उसी के 3 व्यक्ति 3 इंजीनियर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, 2 को बलरामपुर क्षेत्र के लिए और 1 को उतरौला क्षेत्र के लिए। इसके साथ बलरामपुर क्षेत्र से 2 लाभार्थी जिनको मकान आवंटित हुआ था ऑन पेपर उनको गिरफ्तार किया गया है। और प्रथम दृष्टया यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों का मकान पूर्व से बना हुआ था और इन लोगों ने जो लाभ लिया उसका कोई मकान निर्मित है, ऐसा कुछ जियो टैगिंग में नहीं आ पाया है। और इसके साथ उतरौला थाना क्षेत्र से भी 2 लाभार्थियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका मकान अभी अर्धनिर्मित ही है लेकिन उन्होंने पूर्ण भुगतान अपने पक्ष में करा लिया है। इस तरह से इसमें हम लोग पूरे छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें और भी दोषी होगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और पूरे इस गैंग का भंडाफोड़ किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।